अंबिकापुर के युवा सिंगर स्वप्निल जायसवाल ने छत्तीसगढ़ गौरव गीत का बनाया और इसकी खास बात यह है कि इस गौरव गीत में मुंगेली के कलेक्टर राहुल गुप्त ने भी अपनी आवाज दी है। पत्रकार वार्ता के दौरान स्वप्निल जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया और कहा कि यह सरगुजा जिले के मैनपाट सहित बस्तर, रायपुर, राजिम, शिवरी नारायण के दार्शनिक स्थलों में वीडियो शूट किया गया है और इस सॉन्ग का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को बढ़ावा देना है। साथ ही प्रदेश के बाहर के लोग छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल और संस्कृति के बारे में समझ सकें, इसलिए इस वीडियो सॉन्ग का नाम छत्तीसगढ़ में आव रखा गया है। लीड एक्टर के रूप में सूरजपुर जिले के हिमांशु यादव ने इसमें किरदार निभाया है और इस वीडियो सॉन्ग में करीब 5 गायकों ने अपनी आवाज दी है। इस वीडियो की एडिटिंग एवं डायरेक्शन सौरभ टोप्पो ने किया है। थीम सर, जैसे कि हर राज्य का एक अपना खुद का गौरव गीत होता है जिसे वो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, बाहर के अतिथि को बुलाते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं कि बाहर वाले लोग समझ सके कि छत्तीसगढ़ क्या है, वैसे ही मैं छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव गीत बनाया जिससे जिस गाने के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ को समझ सकते हैं। अगर आप उसके शब्दों पर जाएं तो उसमें सब चीज़ पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में बखान किया गया है। हाँ, मेरी कोशिश ये थी कि सीएम साहब जो कि कल्चर और कल्चरल चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं, तो मेरी कोशिश ये थी कि उन तक ये गाने को पहुँचाऊँ